हेलो एवरीवन, आपका मेरे चनवेज किचन तड़का में स्वागत है। फ्रेंड्स, किसी दिन ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं। आज हम एक ऐसी सब्ज़ी बनाएंगे जो बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार हो जाती है और ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसमें हम बड़े 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच राई और आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। राई चटकने लगी है और जीरा भी भुन चुका है। अब हम इसमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इसको मैंने लंबाई में काट लिया है और 3 हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने ऐसे लंबाई में काट लिया है। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हो। प्याज को हम हल्का सा भूनने देंगे। प्याज हमारा भून गया है। इसमें 2 टमाटर के जितनी मैंने टमाटर प्यूरी ले ली है उसको डाल दी है। आप चाहो तो टमाटर काट के भी डाल सकते हो। टमाटर और प्याज अच्छे से भून गए हैं। इसमें हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और नमक डाल देंगे 1 छोटी चम्मच। आधी छोटी चम्मच से भी कम मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। लाल मिर्च डालने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। हमने इसमें एक सीक्रेट मसाला डाला है जो है पाव भाजी मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालोगे तो ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। पाव भाजी मसाला डालने से इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। ये हमने एक बड़ी कटोरी दही ले लिया है और दही को अच्छे से फेंट लिया है। इसमें दही डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें आधी कटोरी पानी डाल देंगे।
और इनको लगातार हिलाते रहेंगे, नहीं तो दही जो है वो फट जाता है। जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक हमें इसे रेगुलरली हिलाते रहना है। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। इसको 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही पका लेंगे। इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमने मसाले को पहले ही अच्छे से भून लिया था। हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है, अब हम इसको सर्व करते हैं। हमने इसको हरे धनिए से गार्निश कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।